डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लेसन नंबर 11। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ, और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए वे उनको पूरी तरह मंजूर नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट न हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती है, छुट्टी हो जाती है, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिस गति से हमारी खपत बढ़ती जा रही है। पाई पेराचेंज, सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिर दर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े बड़े अफसर बैठे हैं और हजारों रुपए की लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन मुझे
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की फाइलों और कागजों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे हैं। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे फसल की हानि न हो। स्टॉप।